ये मॉडलिंग का काम पहली बार तो कपड़ों में ही करी, फिर ज्यादा पैसे के लिए कपड़ा उतारने लग गई, दूर से बच्चे देख रहे और मैं बैठी हुई थी, मुझे फिर नहीं शर्म लगी। ये पेंटिंग दी है, ये 2002 में दी है, जो आ रही रंजीत नाम के लड़का ने ये, और ये वाली पेंटिंग है मैं इस नाम के लड़का ने 2006 में, फोर्थ ईयर वाले ने वो दी सेकंड ईयर वाले ने, और जो थर्ड ईयर वाले ने दी वो घर पहुंच गई, वो और अच्छी है, तब मैं बहुत मोटी हो रही थी। ये लगाए हैं, पता चला है हम ऐसी नौकरी कर रहे हैं। मेरा सपना ये था मेरे बच्चों को मकान बन जाए, फिर उसके बाद में एक जागरण करूंगा। अब न सपना कब पूरा होगा, कब मकान बनेगा, कब जागरण होगा, ये तो भगवान जाने। जैसे पिक्चर बनाई है हीरो हीरोइन ने, गाने बनाए हैं, अब ये तो मर गई, इनके गाने में जिंदा है वे, मेरी पेंटिंग बनी है, मेरी मूर्ति बनी है, मैं आज मर जाऊं फिर भी मैं अमर हूँ। मीनाक्षी है जो शरीर का होगा क्या, मर जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएगा, इससे बच्चों को भला हो जाए, और बच्चे देख देख के हमसे विद्या पाते हैं, फिर जो बच्चे इज्जत देते हैं वो इज्जत कहीं नहीं मिली। थोड़ा सीधा बैठेंगे तो थोड़ा फ्रंटल लगर आ जाए, ये पोस्चर अच्छा है। पहली बार तो थोड़ा परेशानी भई बैठने में, 2-4 हफ्ता बैठे फिर थोड़ा थोड़ा शर्म छुटी, फिर बच्चों की देख के नियत, इसमें कोई गंदगी काम नहीं है, सही काम है। बैठे रहते हैं जैसे पंथ में बैठे हैं, उनका दौड़ा बंद हो जाता है, पाए सो जाए हाथ सो जाए, फिर एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा, फिर बैठ जाते हैं। स्टूडियो में मेरा बना रहे थे लड़ाई करते हुए, ये बच्चा हंस पड़ा, उसको 5 दिन वहां घुसने नहीं दिया। पेंटिंग तो लाखों बन गई होंगी, एक क्लास में कम से कम 15-20 बच्चे होते हैं, साल में कम से कम 15-20 तो क्लास मिली ही जाती है, हिसाब लगा लो। जब मैं 1 बजे उठती नहीं हूँ तब मैं पेंटिंग देखती हूँ, तो जहाँ कमी होते है तहाँ बता देती हूँ कमी होते, मेरा शरीर का मुझे पता नहीं है। पहले मुझे इसमें अजीब लगा, कैसे होगा, बड़ा परेशानी पड़ी, बहुत दिक्कत हुई इसमें, फिर धीरे धीरे मैं करती चली गई ना, तो इसमें फिर मुझे अच्छा लगा, बड़े बड़े लोगों से बात करना, मिलना, पढ़े लिखे बच्चों से मिलना, और मैं कहीं भी मिलता है ये काम तो मैं फौरन चली जाती हूँ, ये अच्छा लगता है। सबको पता है जब पहली तनख्वाह आई 1100 रुपया तनख्वाह मिली, और 2 हफ्ता की 2200 मिली, पति बोले मैं महीना में कमाता हूँ 1500 रुपया, 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ, और तू 10 दिन में 2200 रुपया कमा लाई, कोई सकवारी बात बनी। फिर एक सर है लोचन सर, तो सर हमारे पति को बैठा के कार में और कॉलेज में ले आए, कॉलेज में जो पोर्ट्रेट है बनी भाई, पेंटिंग बनी भाई, वे दिखा दी, तई बोले जो काम तो ठीक करती है, फिर मेरे को घर जा के छाता ला के दे दिया, अब जा काम पे। मैं मुंबई में 9 साल की थी तभी मेरा मम्मी पापा लाए इधर, उसके बाद मेरा शादी करके दिया। मम्मी भी अनपढ़ था, पापा भी अनपढ़ था, जो भी कमाने का क्या करने का ऐसा कुछ भी नहीं आता था। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं जेजे में मॉडल हूँ, 30 साल से काम करती हूँ। मम्मी पापा हम लोग सब छोटा छोटा था उस टाइम, स्कूल भेजने का ऐसा नहीं सोचा, क्या पढ़ाई करके क्या करने वाला है, कुछ नहीं करने वाला है। मुंबई के अंदर हॉस्पिटल की नौकरी, म्यूनसिपालिटी का नौकरी, बहुत कुछ मिलता था, कोशिश करता तो, माँ बाप कोशिश ही नहीं किया। सर अभी कैसा बैठ रहे हैं? ऐसे बैठ के दिखाओ, पहले इधर बैठ के दिखो, ऐसा इधर, हाँ इधर करो, इधर आ जाओ, हाँ थोड़ा इधर हो जाओ। अच्छा,
देखो हाँ, थोड़ा नहीं थोड़ा ये ऐसा पैर रखेंगे ना तकलीफ होएगा तो मैं ऐसा रखता हूं। हां चलिए ये थोड़ा इधर रख लो। माटुंगा सरस्वती स्कूल उधर ही मेरा संसार हुआ, उधर ही मेरी शादी हुआ। तो मेरा हस्बैंड बहुत दारू पीता था, मर गया। मरने के बाद मेरे को क्या करूं क्या करूं, दुनिया कौवा का मापक नोचने को देख रहा है मेरे को। एक औरत जाती थी जे कॉलेज में, उसको मैंने बोला मेरे को भी लेके जाओ ना, तो बोलने लगी चुप रे, मैं पूछेगी बाद में बोलेगी तेरे को, इतना क्या रहे तेरे को। ढूंढते ढूंढते चले गया, मैंने जाके देखा तो एकदम खड़ी है। मैं एकदम चौंक गया, तमिल में बोला राजम्मा ये क्या काम है। बोली यही तो काम है। अरे राजम्मा ये कौन है? तो उसने बोली सर ये मॉडल है। एक एक कपड़ा निकालते निकालते मेरा जान जा रही थी। मैं बोला क्या है, क्या जिंदगी है इसका, क्या जिंदगी है। तो बहुत रोने को लग गया। तो बच्चे लोग बोले अरे लक्ष्मी आप क्यों रो रहे हो, आप गलत मत सोचो, आपको जो भी तकलीफ कुछ होएगा ना हम है आपके साथ, आप है ना हम लोग के लिए भगवान हो। एक गलत सोच नहीं था। ऐसे चार लड़का चार लड़की एक साथ अंदर रहते थे। उन लोग ने बोला टेंशन मत लो। अपना बांद्रा में काम करता था जगताप सर, मेरे को ज्यादा काम देता था, बोलता था लक्ष्मी काम नूड 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 नूड। वो पूरा ऊपर का पहला माला ही मेरा ही था, मेरा ही नाम पे था। पहला 50 रुपया पगार था, नूड का 60 रुपया था, तो भी मैं अपना गुजारा कर लेता। मैंने आज तक एक बच्चे से भी मैंने पैसा नहीं लिया, बेटा तेरे को 10,000 मिले ला, मेरे को एक 5,000 दे, नहीं लिया। और जो भी आर्टिस्ट लोग जो पहले पढ़ाई करके गया उन लोग आता है, अरे लक्ष्मी कैसा है पहचाना, हम लोग पहचान लिया आप हमारा पलकों में। मजाक करने का, ये चलो अम्मा चाय पीने को जाएंगे, गले में हाथ डालने का, नाश्ता खिलाते थे, चाय पिलाते थे, मस्ती करते थे, मजाक करते थे। मेरी दिल लग गई उधर, तब से मैं आज तक पेंटिंग में काम करता हूँ। जिधर जिधर कॉलेज है उधर उधर मैं जाता हूँ। तेजे कॉलेज में मेरा बच्चों लोग का पेट भरा, और उन लोग आज तक मैंने नहीं बोला मैं एक काम कर रहा हूँ, हम बैठ जाते ऐसे पेंटिंग करते। फर्स्ट टाइम हम लोग जब मॉडल को फील किया तो न्यूड नहीं देखा था पहले, पूरा क्लास एकदम ऐसा साइलेंट हो गया एकदम। वन वीक उसका जो साइलेंट था ना, पहले दोस्तों से मस्ती करता था बात करते थे, और वो सब स्टॉप हो गया फर्स्ट क्लास में। खाली एक आना और ड्राइंग करना आराम से, फिर उसके बाद में फ्री हो गए। माय नेम इज प्रशांत जोगदान, आई एम अ स्कल्प्टर। स्टिल लाइफ में जान नहीं होती है और मॉडल में जान होती है। न्यूड स्टडी का जो बॉडी स्टडी है, एनाटॉमिकल स्टडी, मसल स्टडी, बॉडी लैंग्वेज है, वो स्टडी होता है उसके अंदर। जैसे अभी उनका जो बात करना होता है, वो कहाँ पे रहती है, कैसे आती है, जब भी हम पेंट करते हैं या कभी कुछ स्कल्पचर बनाते हैं, ये सब इंक्लूड होता है उसके अंदर। हुए एक बार देख लो। अच्छा एक बार ये कैसा लगता है आपके अंदर का आत्मा का ब्यूटी?